हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड इवनिंग। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, आज जो है लाइव क्लास नहीं आएगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा बिजी था फ्रेंड्स, इसलिए आज लाइव क्लास नहीं दे पाऊँगा। देखिए, संडे भी था आज, हालांकि सभी लोग आजकल संडे हो चाहे मंडे याद नहीं रहता हमें लॉकडाउन की वजह से। अमित मौर्या, हाय। हेलो अमित ठाकुर, समृद्धि, हेलो। सो गाइज, आज ये मेरा मतलब आपका कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो आप फ्रेंड्स मुझसे जो है पूछ सकते हैं, तो मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। रोशन्स खान, योगेश, देव प्रसाद, ओके, गुड इवनिंग अमित मौर्या। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, डीआरडीओ का रिजल्ट कब तक आएगा? अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि अभी कुछ इसकी जो है कोई भी हमें जानकारी मिलेगी। वेबसाइट पर भी कोई अपडेट नहीं है। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि प्रद्युमन कह रहे हैं, सर बुक का नाम क्या है आपकी? मेरी बुक का जो नाम है फ्रेंड्स, वो आईटीआई मैकेनिकल ट्रेड बुक है, और वो मैंने अपने ही एक्सपीरियंस से लिखी है। और लगभग फ्रेंड्स, मैं आपको यकीन नहीं होगा, मैं लगभग इसमें टेक्निकल फील्ड से 2008 से जुड़ा हुआ हूँ, यानी कि मुझे लगभग 12 साल के करीब हो गया है, और उसी अपने एक्सपीरियंस पे मैंने अपनी बुक लिखी है, जिसका नाम है आईटीआई मैकेनिकल ट्रेड। वो बुक आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट मिलेगी, बट अभी लॉकडाउन की वजह से वो बंद की हुई है। 20 क्वेश्चन थ्योरी एंड 5 क्वेश्चन मैथ के करवाइए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 20 क्वेश्चन मैथ के हार्ड क्वेश्चंस करवाए। जितेंद्र कह रहे हैं, सर हार्ड क्वेश्चंस, देखिए मैं आपको बताऊं, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, चाहे डीआरडीओ हो, फिटर हो, और सॉरी डीआरडीओ, डीएम, अभी डीएमआरसी का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें इतने हार्ड क्वेश्चंस कहाँ आए थे यार। अगर मैं हार्ड क्वेश्चंस दे दूँगा, आपके दिमाग से जो फ्रेंड्स ऊपर से जाएंगे, और वो क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं। हार्ड क्वेश्चंस भी मेरे पास हैं फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आपको, यार एक बच्चे ने कहा है कि मैथ के क्वेश्चंस, ठीक है, मैं 3 से 4 या 4 क्वेश्चंस हर वीडियो में आपके लिए मैथ के क्वेश्चंस लाऊंगा। ओके, वीडियो को यार लाइक भी कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया है, 3 लाइक मिले हैं। अच्छा, मैं स्क्रीन पर पढ़ देता हूँ। मैथ कैलकुलेशन साइंस, देव प्रसाद कह रहे हैं कि मैथ कैलकुलेशन साइंस, बिल्कुल मेरे पास मैथ के क्वेश्चंस भी तैयार हैं। कैलकुलेशन साइंस जो आपकी मैथ कैलकुलेशंस आती है आईटी लेवल पर, वो क्वेश्चंस भी मेरे पास काफ़ी सारे हैं। ए यूवी कह रहे हैं कि सर मैंने अप्रेंटिस छोड़ दी, अब क्या करूं? अप्रेंटिस क्यों छोड़ी आप, पहले तो ये बताएं मुझे। डीएमआरसी में जनरल 83 हो जाएगा, डीएमआरसी में 83 में चांस है, 85 लगभग आने का चांस है, ऐसी बात नहीं है, 83 तो काफ़ी अच्छे नंबर है आपके। अच्छा, और कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा हूँ मेरे से? टेस्ट सीरीज करवाएं, अमित कुमार कह रहे हैं। टेस्ट सीरीज फ्रेंड्स, अभी हमारा ना एक कोर्स आने वाला है, जिसमें कि आपको वीडियो क्लासेस होगी, टेस्ट सीरीज़ होगी, और आपको पीडीएफ फाइल के जो है प्रोजेक्ट होंगे हमारे द्वारा बनाए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट, वो सभी आपको एक जगह ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। अच्छा, टेक्निकल संजीत पूछ रहे हैं कि मैथ क्लास से अलग से लीजिए। फ्रेंड्स देखिए, हमने मैथ का एक फैकल्टी रखा था, आपको पता होगा, अनुज सर पढ़ाते थे, बट लॉकडाउन की वजह से अब वो नहीं आ पा रहे हैं, और बहुत ही अच्छी, उन्हें कम से कम 10-12 साल का जो एक्सपीरियंस है मैथ की फील्ड में, तो वो बहुत अच्छी क्लास आपको देंगे, आपने उनकी क्लासेस भी ज्वाइन की होगी। मैं भी आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। सर फिटर ट्रेड की बुक कौन सी अच्छी है? प्रदुमन कह रहे हैं, देखिए अभी तो मैं अपनी बुक ही बताऊँगा, मैंने अपनी बुक लिखी है, वो इसलिए लिखी है कि सभी को हेल्प मिले उस बुक से, क्योंकि वो बुक जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने बनाई है अपने एक्सपीरियंस पर, आईटीआई मैकेनिकल ट्रेड। इसरो में हमेशा कैलकुलेशन साइंस आते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, आईटीआई लेवल पर तो आपके वो मैथ के सब्जेक्ट जो होता है ना 50 नंबर का, वहाँ पर आता है, लेकिन टेक्निकल में इतना नहीं आता, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं नदीम कह रहे हैं, सर यूपी आरबीएनएल में कितने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? भाई एक ही फॉर्म अप्लाई करो यूपी आरबीएनएल में, ज़्यादा फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या करेंगे ज़्यादा फॉर्म भर के, एक अपना एक टारगेट रखें आप, अपना एक और एक एक गोल बनाएं, उसी को आप फोकस रखें। मैंने एक हमारा एक टैग भी है अपने किताब पे पढ़ा होगा, सही फोकस निश्चित सफलता। अगर आप एक फोकस सही रखेंगे, अपना गोल बना कर रखेंगे, तो उसको आप ज़रूर अचीव करेंगे। दो दो फॉर्म भरने की कोशिश ना करें। अच्छा, यहाँ पे यू में क्या है, बहुत
घटिया ट्रीट करते हैं सब कंपनी में, इसलिए छोड़ दिया। कोई नहीं, आप दूसरी कंपनी ट्राई कर सकते हैं। बाकी अप्रेंटिस कहीं कहीं एग्ज़ाम में, देखिए कहीं कहीं लोकेशंस जो है गवर्नमेंट जॉब की, वहाँ पर अप्रेंटिस ज़रूरी है, बट आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देख लीजिए, DMRC देखिए, DRDO देखिए, ये यहाँ पे आपको ओपन जो है भर्ती में आप अपना जो है ट्राई कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अप्रेंटिस नहीं करी तो आपको अपने आप को डिप्रेशन नहीं करना है। अच्छा, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया। लाइव क्लासेस का टाइम चेंज करो। लाइव क्लासेस का टाइम कब चेंज करो फ्रेंड्स? लाइव क्लासेस का मैं टाइम 2 बजे ही रख देता हूँ यार, बट जब मैं अपनी, देखिए अभी लॉकडाउन है तो हमारा ऑफिस भी बंद है, तो जब मैं जॉब पे ज्वाइन कर लूँगा तो फिर मैं आपको रात को ही पढ़ाऊँगा, वो मेरी मजबूरी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 बजे फिलहाल से हमारी क्लास चलेगी। चलिए, काफ़ी बच्चे कमेंट आ रहे थे। सर जी, गाज़ियाबाद में अभी अभी भूकंप आया है। हाँ, मैंने टेक्निकल संजीत कहा है कि गाज़ियाबाद में अभी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैंने सुना है कि झटके शायद आए हैं। नो प्रॉब्लम यार, जो होगा देखा जाएगा, हमें जो है अपने वर्तमान में जीना चाहिए। अच्छा, आपकी बुक इंग्लिश वर्जन, अभी कोर्स पूछ रहे हैं कि आपकी बुक इंग्लिश वर्जन की है। फ्रेंड्स, मैंने पूरी बुक अपनी जो ITI मैकेनिकल टेक्निकल 222 जिसमें जो है 285 लगभग पेज हैं, वो मैंने पूरे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिए हैं, और उसमें मुझे 3 महीने लगे हैं पूरे इंग्लिश में, क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं। आपको कुछ ही दिन में, इसी अप्रैल के अंदर इंग्लिश बुक का वर्जन बिल्कुल मिल जाएगा आपके घर बैठे। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट करें। अच्छा, दीपू राजपूत पूछ रहे हैं कि सर नोट्स कैसे तैयार करें। नोट्स फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपना एक फोकस, अपना एक गोल बनाएं कि आपको किस जॉब को लिए प्रिपरेशन करनी है, टेक्निकल में जाना है, नॉन टेक्निकल में जाना है, उसी से रिगार्डिंग्स अपने नोट्स तैयार करें। देखिए, जो हमारी बुक है ITI मैकेनिकल ट्रेड, वो एक आपकी नोट्स की तरह ही मैंने खुद से डिज़ाइन की है वो सारी बुक। सारे आपको टॉपिक वाइज, आपको डेफिनेशन वाइज सारे क्वेश्चंस आपको उस बुक में मिल जाएंगे। अगर आप, जिन बच्चों ने पढ़ी है वो बुक जानते भी है उसकी जो है वैल्यू कितनी है आज की डेट में। UPNL एग्जाम का एग्ज़ाम, UPRVNL का एग्ज़ाम लगभग 3 से 4 महीने लगेगा, अगर लॉकडाउन चलता रहा तो और बढ़ भी सकता है। हाँ, मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, कुंदन सिंह कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब करने के लिए कोशिश, कौन सी फॉर्म भरूं, BSc फाइनल है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप कौन से फॉर्म भर सकते हैं? BSc फाइनल है तो आपको मैथ्स में जो है अच्छी पकड़ होगी आपकी, मैथ साइंस में, तो आप अपनी फील्ड के अनुसार जो है ना फॉर्म भरें। टेक्निकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाओ, मैं लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस आपको टेक्निकल न्यूमेरिकल करवाऊंगा। लाइव क्लासेस भी देंगे हम, टेक्निकल जो आपके क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल, उसकी मैं लाइव क्लास भी लाने वाला हूं आपके लिए, उस पर काम चल रहा है। अच्छा, यहां पे जो है एस द्विवेदी जी, द्विवेदी कह रहे हैं कि सर आप जॉब कहाँ पर करते हैं? ओहो, सो गाइज, मैं आपको, काफ़ी बच्चों को नहीं पता कि मैं जॉब कहाँ पर करता हूँ, तो मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में जो अभी जॉब करता हूँ। अभी लॉकडाउन है तो मैं अभी घर ही हूँ, तो जॉब के साथ साथ मैं फ्रेंड्स ये सारे काम करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, आप इतना प्यार करते हैं। लगभग 2-3 साल मुझे हो गए यूट्यूब पर, तो मेरा मन नहीं करता कि यार यूट्यूब चैनल छोड़ दूँ, तो इसलिए कंटिन्यू मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ पूरी। अच्छा, यहाँ पे जो है, ठीक है, आपके कोई क्वेश्चन हो एक बार कमेंट करता हूँ। एग्ज़ाम सर आप अपने बारे में कुछ बताएं, अमित मौर्य कह रहे हैं सर आप अपने बारे में कुछ बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सो गाइज, मेरे बारे में तो यहाँ तक आया हूँ आपके साथ आपके सपोर्ट और आपके प्यार की वजह से। अभी हमारे YouTube पर जो है लगभग 1,67,000 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो ये सब आपका सपोर्ट है, प्यार है, बट मैं स्ट्रगल ज़्यादा करता हूँ इस टाइम, जब भी मैं फ्रेंड्स ये जॉब के साथ साथ ये काम मैं करता हूँ, वेबसाइट का भी है, अभी एप्लीकेशन पर भी काम चल रहा है, तो मेरे बारे में कभी डिटेल्स में बात करेंगे यार। अच्छा सर, घर बताओ प्रिपरेशंस करते हैं, बैठे प्रिपरेशंस करते हैं। श्री रूपा कह रहे घर बैठे प्रिपरेशंस करें। देखिए, अभी हमारा कोर्स जो है लॉन्च होने वाला है फ्रेंड्स, आप अपने घर बैठे ही प्रिपरेशंस करेंगे। आपको बिल्कुल A1 क्वालिटी की जो आपको वीडियो क्लासेस मिलेगी, उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, PDF फाइल नोट्स है हमारे जो हैंड राइटिंग में है, और बहुत से नोट्स हमने ऐसे बनाए हैं जो कि आपको आने वाले टाइम में प्रोवाइड करे जाएंगे, और उनसे अलग फ्रेंड्स क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएगा आपका। बहुत ही मेहनत करके हम वो क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं। अरे यार, थोड़ा सा छोटी लैंग्वेज में आप अपने क्वेश्चंस पढ़े, इतना लंबा क्वेश्चंस नहीं पढ़ सकता मैं। सर घर बताओ बैठे प्रिपरेशन मैंने बता दिया आपको। ऑल राइट, सो आपको कोई क्वेश्चंस हो यार फ्रेंड्स? ये श्रीपू जो है रवि पूछ रहे हैं घर बैठे प्रिपरेशन कैसे करें, एक अपना गोल तैयार करें।
सबसे पहले कि आपको किस फील्ड के अंदर जाना है, जॉब किस फील्ड में चाहते हैं, उसी के लिए रात दिन लगे रहें। बस दिमाग में वही रहना चाहिए कि मुझे ऑर्डनेस फैक्ट्री में जॉब करनी है। उसके लिए फिर आप कर क्या रहे हैं फ्रेंड्स, आपको ये भी देखना होगा कि हम अपने जो लक्ष्य से हमारा जो गोल है उसके लिए हम अपने आप को कितना प्रिपेयर कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने गोल के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स प्रिपरेशंस नहीं करेंगे तो हम अपना रास्ता भटक सकते हैं। और फ्रेंड्स एक आपने सुना होगा कि अगर लगने लगे लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा, तो फ्रेंड्स लक्ष्य को नहीं अपने जो है प्रयासों को बदलो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हमेशा अपने आप को मोटिवेट करें, किसी भी तरह से डीमोटिवेट ना करें। अगर मैं आज फ्रेंड्स यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं अपने आप को मोटिवेट रखता हूँ, पूरा का पूरा मैं अपने आप में को कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाने देता। मशीनिस्ट का सिलेबस बताओ सर। इसरो मशीनिस्ट का सिलेबस तो सिंपली क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं 60 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल साइंस वगैरह के आ जाते हैं, न्यूमेरिकल टाइप के, बाकी तो क्वेश्चंस तो वही आते हैं। देखिए आपको याद करने का तरीका क्या है, देखिए मैंने बुक में सब कुछ लिखा है। मान लिया आपके पास आपका एक टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई ड्रिल के बारे में आपको कुछ याद करना है, तो आपको फ्रेंड्स क्या करना होगा, ड्रिल के सारे क्वेश्चंस जब तक किताब में लिखे हैं वो लिखे रहेंगे हमेशा, जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे। ड्रिल की थ्योरी प्लस अपने क्वेश्चंस ए टू जेड क्वेश्चंस, ड्रिल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको आप एक जगह लिख लीजिए, और ड्रिल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जब आप एक जगह लिख लेंगे उनको याद कर लेंगे ना, तो ज़िंदगी में मतलब ऐसा कोई क्वेश्चंस मिलेगा जो आप ना कर सके। देखिए मान लिया आपने ड्रिल से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस याद कर लिए, अब आने वाले टाइम में आपका कोई एग्ज़ाम आता है और उसमें कोई क्वेश्चंस ऐसा भी मिल गया ना कि आपने याद नहीं किया हुआ, तो जो 50 क्वेश्चंस आपने याद किए हुए ना उन्हीं से रिलेटेड वो क्वेश्चंस होगा, और उस क्वेश्चंस को भी आप आसानी से फ्रेंड्स कर पाएंगे। तो बहुत सारी बातें होती है फ्रेंड्स जो कि हमें जो है देखनी होती है। OFB की वैकेंसी कब आएगी? OFB की वैकेंसी फ्रेंड्स जैसी ही आएगी मैं आपको नोटिफिकेशन ज़रूर दूंगा, उसकी चिंता मत करें आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शिरापुरा भी है शायद नाम इनका, ये कहना है कि बिना कोचिंग के जॉब पा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंड्स पा सकते हैं, मैंने पाई है। मैं लगभग दोस्तों अपनी कहानी का भी मैं आपको एक मोटिवेशन वीडियो बना के दूंगा। लगभग मैं 3-4 साल मैंने स्टडी करी, और उसके बीच मैंने लगभग आप यकीन नहीं करेंगे 40 से 50 मैंने पेपर दिए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं। अभी जहाँ मैं करंट में जॉब करता हूँ ओनस्पट्टी मुरादनगर, तो वहाँ के लिए भी मैंने 2-3 पेपर एग्ज़ाम दिए, और उसके बाद फ्रेंड्स मेरा नंबर बहुत ही मुश्किल से मतलब काफ़ी तैयारी करने के बाद और आया, उसके बाद नंबर फाइनल मेरा भी ओनस्पट्टी में ही है। उससे पहले मेरे को 2-3 ओनस्पट्टी में पहले भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, बट फाइनल मैं अभी घर के पास ही करता हूँ, जस्ट 5 मिनट्स का जो है मेरा जो है रास्ता है वहाँ जाने का। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स मैं फिर से देख दूँ, घर बैठे तो यहाँ पे जो है जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ना तो उस टाइम भी इतनी कोचिंग नहीं थी ना ही यूट्यूब चैनल थे, तो घर बैठे ही कोशिश करी और मैंने घर बैठे ही बच्चों को जो है पढ़ाना शुरू किया, और अपनी तैयारी के साथ साथ मैंने स्टूडेंट को भी पढ़ाया है। ऑफलाइन भी मैंने कोचिंग दी है और मुरादनगर में ही काफ़ी स्टूडेंट हैं मेरे, मुरादनगर में वैसे भी स्टूडेंट हैं। घर बैठे आप बिल्कुल जॉब पा सकते हैं, बस आपका लक्ष्य एक होना चाहिए और इरादे मजबूत होने चाहिए। फ्रेंड्स एक बात तो आपने सुनी होगी, एक लाइन है बहुत ही अच्छी लाइन है वो, तो वहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो फ्रेंड्स, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं, ये आप बात याद रखें। मैंने बताया आप मोटिवेशंस आपने आपको ज़रूर रखें, और यह फ्रेंड्स एक लाइन ये भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप कोशिश करते रहें निरंतर आपको लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन मेरे से पूछे जा रहे हैं, सर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो? बिल्कुल करते हैं जी, अभी तो घर बैठा हूँ। सर एग्ज़ाम कब होगा प्लीज़ बताओ? किसका एग्ज़ाम? क्वेश्चंस यहाँ पे कह रहे हैं सर जी, इसरो HSF में साइंस और मैथ भी आता है क्या? अभी से पूछ रहे हैं, इसरो में साइंस के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैथ के भी क्वेश्चंस आते हैं, टेक्निकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। आपने प्रीवियस एग्जाम पेपर देखा होगा, मैंने उस पर वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी अभी तक वीडियो उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे यह पूछ रहे हैं कि सर आपका सैलरी कितना है? मेरा सैलरी जो भी आता है वो आपके लिए मैं खर्च कर देता हूँ यूट्यूब पर, घर में नहीं देता मैं इतना, लेकिन मैं आपके लिए ही अपने जो भी मेरे पास इनकम होती है, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे आप मेरे पास यूट्यूब से आए, चाहे किसी भी थ्रू आए, तो लगभग मैं आपके लिए ही उसके लिए उसको खर्च करता हूँ। यूट्यूब से भी इनकम हो, चाहे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ चीज़ को, सारी इनकम मैं आपके पढ़ाई के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करा सकूँ। अभी हमारा एप्लीकेशन पर काम चल रहा है, तो उसमें मैंने 2-3 लाख रुपए भी लगाए हैं फ्रेंड्स, मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, तो वो आप ही के लिए हैं, मेरे लिए नहीं है। आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी क्लासेस मिलेगी उस पर। सर जी आपने
किस सन में ज्वाइन की थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। टेक्निकल संजीत पूछ रहे हैं किस सन में ज्वाइन की थी। सो गाइज मैंने जो ज्वाइन की थी ना ऑर्डिनेंस, मैंने ज्वाइन किया फ्रेंड्स किया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोलकाता में, मैंने ज्वाइन किया था कोलकाता दमदम फैक्ट्री। तो वहाँ मैंने 8-10 महीने फ्रेंड्स जॉब की, उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेके मैं अपने घर के पास आया। तो अभी मुझे 2017 की बात है फ्रेंड्स, 2017 की बात है, टेक्निकल संजीत पूछ रहे हैं जब मैंने ज्वाइन किया था, अभी 20 चल रहा है। अच्छा सर मैं, अच्छा वेरी नाइस। UPRVNL का पेपर कब होगा, यहाँ पूछ रहे हैं सर, शिवम पूछ रहे हैं कि UPRVNL का पेपर कब होगा। सो गाइस UPRVNL का जो पेपर होगा वो आपका भी तो फॉर्म शायद लास्ट डेट आई थिंक चली गई है, तो उसके बाद अभी ये लॉकडाउन चल रहा है। और आशा करता हूँ सर फ्रेंड्स आप सभी अपने घर होंगे, आपको पता भी है लॉकडाउन में फ्रेंड्स सभी घर हैं, तो बाहर ना निकले, काफ़ी जो है वायरस फैल रहा है। तो अपनी सेफ्टी फ्रेंड्स हमारे हाथ में होती है, चाहे हम कहीं पर भी हो, चाहे घर हैं, चाहे किसी वर्कशॉप में हैं, चाहे हम कहीं बाहर घूम रहे हैं, तो सेफ्टी सबसे पहले रूल होता है टेक्निकल फील्ड्स में भी। सर आपके नोट्स कैसे मिलेंगे, राजन गुप्ता गौतम पूछ रहे हैं कि सर आपके नोट्स कैसे मिलेंगे, हमारे नोट्स नेट्स पे सारे पड़े हुए हैं सभी, मैंने आपके बुक्स आप हमारी परचेज कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, उसमें सब कुछ है। सर कौन सी जॉब सबसे ईजी है प्रिपरेशंस के लिए, श्रीपू पूछ रहे हैं सब सबसे ईजी, आज की डेट में ईजी कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी उसके लिए कुछ मेहनत करके और हम उसको जो है अचीव कर सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं फिर से कहना चाहूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता को फ्रेंड्स आप यकीन नहीं करेंगे, मैं हज़ारों बार पढ़ चुका हूँ, इस कविता से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हरिवंश राय बच्चन साहब की जो है कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश से करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप कोशिश करते रहें। सर मम्मी मुंबई, सर मुंबई में स्टेशन सेंट्रल, लेथ मशीन के डिटेल्स, राजन राजन गौतम पूछ रहे हैं लेथ मशीन के डिटेल्स वीडियो बताएं। लेथ मशीन पर हमारी 10 वीडियो के आसपास मैंने अभी तैयार करी है फ्रेंड्स, जिसमें कि आपको डिटेल्स में बताया है। प्रदुबन पूछे सर आपका ट्रेड क्या था, मेरा ट्रेड था फिटर, फिटर जनरल फ्रेंड्स मेरी ट्रेड है, मैंने बता दिया। जॉब देखिए ऐसा मत सोचिए कि कौन सी जॉब ईजी रहेगी, सारी जॉब अच्छी होती है, लगन से मेहनत से करेंगे तो हमें अपनी सभी तरह की जॉब जो भी हमारी हार्ड भी लगे वो भी हमारी ईजी हो जाती है, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। कौन सी करने वाले की कभी मात, हाँ बिल्कुल सही बात है, आर वी बोला कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो मैंने आपको बताया मैंने लगभग फ्रेंड्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए मैंने लगभग 40 एग्ज़ाम दिए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, तब जाके फ्रेंड्स मेरा 4 जगह जो है फाइनल मतलब सिलेक्शन हुआ। तो अभी मेरा जो है अभी मैं अपने घर के पास ही हूँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हूँ, तो मैंने अपना टारगेट एक बनाए रखा और अपने माइंड में ये रखी बातें, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, तो कोशिश करते ना यार आप अपनी। नौ बजे से क्लास होगी या नहीं, सो गाइस 9 बजे से नहीं होगी यार, 2 बजे से ही रख लेते हैं, जब तक लॉकडाउन चल रहा है हम 2 बजे तक रखेंगे, क्योंकि फिर मैं जॉब करने लगूँगा तो सब फ्रेंड्स मैं आपको 2 बजे क्लास नहीं दे पाऊँगा, 9 बजे फिर हम वापस जाएंगे, चाहे फिर कोई सी मजबूरी हो से किसी बच्चे की। सर टेलीग्राम पर आप हर वीडियो का PDF फाइल कराइए, देखिए अभी मैंने आपको बताया ना हमारा कोर्स आ रहा है, वहाँ पर आपको सारी PDF फाइल मिलेगी, टेक्निकल संजीत सारी PDF फ्री में मिलेगी, कोई उसका कोस्ट नहीं लेंगे आपसे। नहीं 9 बजे नहीं होगी, 2 बजे क्लास होगी। चलिए आपकी मैथ क्लास नहीं हो रही है, हाँ शिवम पूछ रहे मैथ की क्लास, हमने तो आपको नीरज सर हमारे जो पढ़ा रहे थे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन्होंने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर जो है इंडिया के उनमें भी पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे क्या है फ्रेंड्स उनको टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि लॉकडाउन की वजह सब कुछ लॉक है, तो हमारे पास जो है नहीं आ पा रहे हैं सर, तो वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही मैथ की, मैथ की क्लास आपको देंगे कंटिन्यू आने वाले टाइम में। MPBGL की कट ऑफ कितनी जाएगी, धर्मेंद्र पूछ रहे हैं MPBGL की कट ऑफ कितनी जाएगी। अब इसके लिए तो फ्रेंड्स मुझे जो है एग्ज़ाम पेपर नहीं देखा मैंने, उसका एग्ज़ाम पेपर मुझे देखना होगा। CCC के बिना UPRL का फॉर्म भर सकते हैं, इंद्रजीत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, CCC के लिए बिना कोई भी बच्चा UPRVNL में एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरेगा, फॉर्म को नहीं भरेगा, 900 रुपये और 1000 रुपये, 700 और 1000 फीस जा रही है, पैसे बेकार हो जाएंगे अगर आपका नंबर आ गया तो। अगर आप भरना चाहते हैं UPRVNL का फॉर्म तो उसको आप भर दीजिए, लेकिन आप साथ साथ में अपना CCC के लिए अप्लाई कर दीजिए,
अगर आपने ट्रिपल सी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो ट्रिपल सी अप्लाई कर सकते हैं। NIELIT एक वेबसाइट है, वहाँ से आप ऑफलाइन ऑनलाइन जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 600-700 रुपये करीब फीस है और आपका 3 महीने बाद उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये तो ट्रिपल सी UP आर्मी के लिए कंपलसरी होता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, UPPCL की बात करें तो मैंने 2 बार उसका रिटर्न क्वालिफाइन किया है। तो वहाँ पे क्या होगा, जब DV होता है ना तो वहाँ पे ट्रिपल सी मांगा जाता है। तो 2009 में फ्रेंड्स मैंने ट्रिपल सी क्लियर कर लिया था। तो ट्रिपल सी के बच्चे जो नहीं होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है बिना DV के चेक करे हुए। तो ट्रिपल सी इज़ बेस्ट है, ज़रूर आप करें। बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम कब तक होगा इसकी कोई डेट नहीं, मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया है। सर ऑनर्स फैक्ट्री की वैकेंसी कब आएगी? जल्दी आएगी, जैसी आएगी मैं आपको बता दूंगा। फिटर थ्योरी पढ़ाना ज़रूरी है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि फिटर थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है या MCQ पढ़ना ज़रूरी है। कुछ भी पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो और बस मेहनत करते रहो। जो हाथ में मिल जाए, जो बुक मिल जाए उसको पढ़ गए लो, पूरा पढ़ो उसको, चाट जाओ मतलब एक प्रकार से। और बहुत से बच्चे कहते हैं सर उस राइटर की बुक अच्छी नहीं है, उसमें ये गलती, यार गलती को ढूंढो ना। गलती जो ढूंढने का वही तो सबसे बड़ा खिलाड़ी होगा किताब में। गलती को ढूंढो, उसको सुधारो। किताब में अगर गलती है तो किसी से, अपने फ्रेंड से अपनी जो है गाइडेंस लो। कोई फ्रेंड्स है, कोई आपका टीचर है, कोई आपको लगता है भी किताब में ये गलती आवा है, तो ये नहीं कि आप गलती ही याद कर लेंगे। उस पर डिस्कस करो, अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, ग्रुप में डिस्कस करो, तो उसको सही लिख दो वहाँ मिटा कर। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें जो है देखनी होती है फ्रेंड्स। अच्छा यहाँ पे इन्होंने कहा है ये फिटर थ्योरी डीपली पढ़ना ज़रूरी है। डीपली पढ़ना ज़रूरी भी है, नहीं भी है। देखिए ये बात है, डीपली आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। बट देखिए स्टार्टिंग में आपको डीपली पढ़ना होगा, थ्योरी आपको स्टार्टिंग में पढ़नी ही ज़रूरी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ के बेंच वाइज के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने क्वेश्चन सारे याद कर लिए लेकिन बेंच वाइज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे वर्क करती है, किस तरह से उसका प्रैक्टिकल करते हैं वो नहीं पता ना, तो आपके क्वेश्चन वो बेकार हो सकते हैं। हमें प्रैक्टिकल की नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज होनी ज़रूरी है। बट एग्ज़ाम में तो MCQ टेस्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा। अमित ठाकुर कह रहे हैं सर मैथ मेरे लिए बहुत टफ है, क्या करूं इसके लिए? 2012 में फ्रेंड्स मेरे लिए मैथ बहुत ही टफ थी। 6 मंथ मैं कोचिंग किया था मैथ का स्पेशल, पर मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मैंने एग्ज़ाम दिए, काफ़ी एग्ज़ाम दिए फ्रेंड्स। एग्ज़ाम देने के बाद जो है मुझे लगा कि यार मैथ सीखनी चाहिए। फिर मैंने फ्रेंड्स मैथ के लिए लगभग 6 मंथ से 1 ईयर तक मैंने कंटिन्यू उस पर तैयारी करी घर बैठकर। मैंने 6 मंथ कोचिंग किया, कोचिंग पढ़ी करी, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला मुझे क्योंकि मेरे दिमाग से ऊपर जा रही थी। बट फिर से मुझे जिस दिन लगा कि यार मैथ बहुत ज़रूरी है हर एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने घर बैठे प्रिपरेशन करी और उसके लगभग मैंने अभी भी मेरे पास रजिस्टर रखे हैं 18 और 22 रजिस्टर, रफ रजिस्टर मैंने भर दिए थे जो कि 20 रुपये के 20 रुपये का रजिस्टर आते थे। तो मैंने इतनी प्रिपरेशन करी हर चैप्टर को, आज तक मैं अगर बात करूँ ओवरऑल, अगर मैंने ऑफलाइन भी मैथ के चैप्टर पढ़ाए हैं क्योंकि मैंने 2.5 साल फ्रेंड्स ऑफलाइन कोचिंग दिया है बच्चों को, तो वहाँ भी मैंने लगभग अब तक बात करूँ हर चैप्टर मैंने 70 से 80 बार रिपीट कर चुका हूँ पढ़ाना। टोटल बता रहा हूँ अपने आप से भी और जो मैंने बोर्ड बच्चों को पढ़ाया वो भी। तो मैथ नामुमकिन नहीं है फ्रेंड्स, आप अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो आप ज़रूर जो है मैथ भी सीख जाएंगे। मन लगाना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपको ये लगेगा ना कि भाई ये चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं होगा, तो आपका तन मन धन उसमें लगा देंगे अपना और उसको अचीव ज़रूर करेंगे। मैथ फ्रेंड्स ज़रूरी है हर एग्ज़ाम के लिए। देख लिया आप, चाहे आप DRDO का दे लीजिए, ऑर्डनेंस फैक्ट्री दे लीजिए, ISRO का दे लीजिए, कोई सब एग्ज़ाम दे लीजिए, टेक्निकल फील्ड की बात करें मैथ यहाँ पर ज़रूरी है फ्रेंड्स। बट आप अगर टेक्निकल में पक्के हैं तो आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई और बच्चा कोई क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हो? 23 मिनट्स जो है फ्रेंड्स हो चुके हैं मुझे लाइव में, तो यहाँ पर कंप्यूटर में भी मेरे पास चल रही है। सो गाइस मैं अभी अपने घर पर हूँ, तो ये मेरा छोटा सा रूम है, तो यहाँ पे सब कुछ फैला हुआ है। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ। ट्रिपल सी के बिना नहीं भरेंगे UP RVNL का फॉर्म, फीस बहुत ज़्यादा जा रही है उसमें स्टूडेंट, 1700 फीस है उसमें। आपकी बुक इंग्लिश में बता, इंग्लिश में आ चुकी है बट मार्केट में नहीं है, लॉकडाउन की वजह से बुक नहीं छपेगी अभी उसकी। ओल्ड बुक का न्यू बुक में क्या? अच्छा बिल्कुल सही सवाल पूछा इन्होंने, कह रहे हैं कि रंजन गौतम कह रहे हैं सर ओल्ड बुक का और न्यू बुक में क्या डिफरेंस है? अगर आप मेरी बुक की बात करें तो ओल्ड बुक में कोई डिफरेंस नहीं है, न्यू बुक में डिफरेंस इतना है कि जो उसमें कुछ करेक्शंस फीडबैक आई थी ओल्ड बुक में तो वो हमने ठीक किया और कुछ उसमें एक्स्ट्रा जो है क्वेश्चंस दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने काफ़ी उसमें जो है एक्स्ट्रा चीज़ दी है जिससे कि आपको और एग्ज़ाम में हेल्प मिले। बिल्कुल दीपू राजपूत पूछ रहे हैं कि चैप्टर वाइज कोर्स को कंप्लीट करवा दो। बिल्कुल कंप्लीट हमारा कोर्स हो जाएगा बिट्टू। ये गाने बंद करो यार।
सॉरी फ्रेंड, सॉरी सॉन्ग चल रहे थे ना तो मैंने उसको बंद करवाया। सर ओल्ड बुक में न्यू, मैंने बता दिया आपको। चलिए और कोई क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस, कोई आपका ऐसा क्वेश्चंस हो जो आप जानना चाह रहे हो कि सर हमें उसके बारे में बताएं, उसके बारे में बताएं। सर इसरो की तैयारी कैसे करें? किताबें पढ़ो, किताबें ज़रूरी है। बहुत से मैंने सुना है कि ये भी बोलते हैं कि सर एक किताबें पढ़ें या दो किताबें पढ़ें, जितनी किताबें आपको मिल रही हैं जहाँ जहाँ से मिल रही हैं नोट्स वगैरह वो सबको पढ़ दो, क्या पता किस बुक का क्वेश्चंस कहाँ आपको एग्ज़ाम में मिल जाए। और राइटर सारे अच्छे होते हैं, बहुत सी मुझे कंप्लेंट आती है, बहुत सारे राइटर हैं हमारे टेक्निकल फील्ड में कि सर वहाँ उन्होंने गलत कर रखा, उस बुक में ये गलती है वो गलती है। यार गलती सब इंसान से होती है, कोई मशीन नहीं बना रही है, कोई CNC मशीन नहीं है कि जॉब एक्यूरेट बनाएगी, तो गलती तो हो जाती है लेकिन उस गलती को आप सुधार सकते हो, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो हर राइटर अपने आप की अपनी बुक को एकदम 100% सही करने की कोशिश करता है और अच्छा लिखता है, जिससे कि आप सभी स्टूडेंट को बेनिफिट हो। वो मैंने अपनी बुक में भी वो चीज़ को करा है। आपका व्हाट्सअप नंबर, मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर फ्रेंड्स मैंने दिया था, मैंने व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता दूं, एक वीडियो मैंने दिया था वहाँ पे आप वो नोट कर सकते हैं लाइव में, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा व्हाट्सअप नंबर, वैसे चाहे तो आप नोट्स कर सकते हैं 9259344454, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। काफ़ी बच्चे मांगते रहते हैं, मैं दे देता हूँ बहुत बार, लेकिन अगर आपका रिप्लाई थोड़ा लेट हो जाए ना तो यार मेरे से उस पर थोड़ा मुझे गुस्सा मत करना, मैं रिप्लाई थोड़ा लेट करूँ क्योंकि कहीं हज़ार मेरे पास अभी भी 300 के करीब प्लस में जो है ना व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे जो है सबका जवाब देता रहता हूँ। जॉब के लिए फिटर बुक बताओ, ITI मैकेनिकल ट्रेड बुक, फिटर मशीनिस्ट टनर वाले एग्ज़ाम के लिए। सो गाइस फैन बंद है, यहाँ पे जो है कोई क्वेश्चंस आपके, गर्मी लग रही है यार। फिटर बुक मैंने फ्रेंड्स बताया आपको, फिटर मशीनिस्ट टनर के लिए ITI मैकेनिकल ट्रेड बुक का नाम है, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस पर लिखी है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस फिर से वही रिपीट हो रहे हैं, सर ट्रेड टेस्ट के लिए वीडियो बनाओ, बिल्कुल बनाएंगे, ट्रेड टेस्ट के लिए वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि मैंने ट्रेड टेस्ट काफ़ी जगह के, मैंने गवर्नमेंट जॉब के ट्रेड टेस्ट भी दिए हैं और रिटर्न भी दिया है, बहुत जगह मैंने रिटर्न दिया है, उसी बेस पर फ्रेंड्स मैंने अपनी बुक लिखी है और ये यूट्यूब चैनल को चला रहा हूँ। सो गाइस फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई सवाल हो तो यार मुझे आप कमेंट सेक्शन में ना कमेंट कर देना। सो ये बताओ क्या बताएं, सर जॉब के लिए टेक्निकल इम्पोर्टेंट है या नॉन टेक्निकल? देखिए अब बात होती है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, DMRC की तैयारी कर रहे हैं और आप DMRC या DRDO की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी आते हैं, टेक्निकल तो सब कर लेते हैं, नॉन टेक्निकल में बहुत मुश्किल होता है। नॉन टेक्निकल धीरे धीरे तैयारी करें यार, मैं अपने चैनल पर हमने एक फैकल्टी रखे हैं, लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, हम अपनी नॉन टेक्निकल में तैयारी करवाएंगे जो कि IT लेवल पर होती है, IT लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं एडवांस नहीं, IT लेवल के क्वेश्चंस बताएंगे हम, मैंने आपको बता दिया है उसके बारे में। वेल्डर स्पेशल ऑब्जेक्टिव बुक, वो वेल्डर की बुक के बारे में बताएंगे आपको, विनायक बोल रहे हैं वेल्डिंग स्पेशल ऑब्जेक्टिव बुक, मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में आपको कुछ जो वो कमेंट है मैं उनके जवाब दे दूंगा फ्रेंड्स। वेल्डर की आया मैं आपको बताऊं, वेल्डर की बुक भी हमारे द्वारा ही लिखी जा रही है जिस पर हमारा वर्क चल रहा है, वेल्डर और इलेक्ट्रिशियंस की बुक, ये बुक भी हमारी जल्दी आएगी फ्रेंड्स। ओके सो गाइज अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कल मैं मतलब दोपहर में 2 बजे लाइव आऊँगा फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चंस जो लेकर, जिस हर बार मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए। आपका नंबर मैंने आपको नंबर दे दिया है, सारी बुक हमारी जो अगर आप ऑर्डर देंगे वो हमारा सेकेंड संस्करण जाएगा आपके पास, सेकेंड जो एडिशंस हैं। मैथ की बुक बताओ सर बेसिक करने के लिए, मैथ की बुक आप RS अग्रवाल कर सकते हैं, जो कि आपकी मैथ की बुक है वो बेसिक के लिए ठीक है, स्टार्टिंग अगर आपका है।
एमपीपी जेल पर वीडियो बनाए, बना देंगे जी। तो आप पे काफ़ी कमेंट्स फ्रेंड्स मैंने पढ़ लिए हैं अब तक। सो गाइज अभी भी आपको कोई क्वेश्चन हो ना तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। वाईफाई से की जॉब आएगी जैसे मैं आपको नोटिफिकेशन बता दूंगा। मैंने बता दिया है, पीछे बता दिया है। वेयर इज़ योर इंस्टीट्यूट लोकेशंस, निशांत पूछ रहे हैं वेयर इज़ योर इंस्टीट्यूट लोकेशंस। मुरादनगर में है। नहीं मैं यूपी से हूँ, यूपी गाज़ियाबाद। बता दी मैंने यूपी गाज़ियाबाद। सो गाइस अब इसी वीडियो में यही था, आपसे कुछ बातें करनी थी। बहुत से सवाल मेरे पास, बहुत से कमेंट आते हैं यार कि सर आप बातों का जवाब नहीं देते। तो मैंने आज आपकी बातों का फ्रेंड्स बहुत सारी जो है आपके क्वेश्चंस लिए हैं इस वीडियो में, और सभी क्वेश्चंस का मैंने जवाब देने की कोशिश करी है। ठीक है गाइस, सो आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं कि सर आप हमारे व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करते, आप कमेंट के रिप्लाई नहीं करते, तो यार अब आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। विशाल वर्मा कह रहे हैं आई एम लखनऊ, ओके ऑल राइट। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आप जो है मैं लास्ट में आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आप अपनी जो है एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। लॉकडाउन चल रहा है मुझे पता है, आपको भी पता है, और मैं आपको बताऊँ यार संडे का आप तो पता नहीं चलता कि संडे कब आ गया, मंडे कब आ गया, मुझे याद ही नहीं रहता। कल मुझे याद आया कि आज संडे है, तो दो तीन संडे ऐसे ही निकल गए मेरे। सो गाइज़ आप अपनी तैयारी करें। देखिए ये जो अभी हमें टाइम मिल रहा है ना, जो भी स्टूडेंट के जो स्टूडेंट फील्ड में, यानी कि बिल्कुल एक गोल्डन चांस है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए। एग्ज़ाम के लिए आप रात दिन जो है मेहनत कर सकते हैं। अभी आपको बाहर तो जाना ही नहीं है, ना घर के कोई काम ऐसे हैं जो कि आपको बाहर जाना पड़े। ठीक है गाइज़, तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। भले फ्रेंड्स मेरे पास, मैं जो है अभी भी मैं पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं पढ़ता, आपको पढ़ाने के लिए भी पढ़ता हूँ, और अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए भी मैं जो है नई नई बुक और नए नए जो है मोटिवेशंस के जो कोर्स होते हैं वो भी मैं अटैम्प्ट करता हूँ। बहुत सारी चीज़ मैं अभी भी करता हूँ। और फिर से नंबर बताओ 9259344454। ओके गाइज, ठीक है गाइज, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कभी लाइव फिर से आएंगे तो आपके क्वेश्चंस के जवाब लेंगे। और आज की इस वीडियो मैंने आपको अपने बारे में बहुत कुछ बताया है। सो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आधा घंटा हो गया यार, मैं 32 मिनट्स हो गए। ओके, तो यहाँ मैंने जितने भी आप क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मैंने सारे क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं। सो इस वीडियो में यही था फ्रेंड्स, सिर्फ मैं आपसे बात करना चाह रहा था क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं। सो गाइज मैं अब वीडियो को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं अनुगर्ग प्रजापति जी बोल रहे हैं कि सर आपकी बुक बहुत अच्छी है, थैंक यू वेरी मच जी। लगभग बच्चों ने मुझे पॉजिटिव ही कमेंट दिए हैं अपनी हमारी जो बुक है आईटीआई मैकेनिकल ट्रेड, क्योंकि दोस्तों वो जो बुक है ना वो एक एक्सपीरियंस बेस्ड बुक है मेरी, और वो आपको पसंद आई है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यार आपने मेरी बुक को इतना सपोर्ट किया, मुझे लगता नहीं था कि स्टार्टिंग में, फिर भी मैंने मेहनत करी उस बुक को लिखा और आप तक पहुंचाया उस बुक को, और आपने मुझे रेटिंग दी हुई है अमेज़न पे, तो बहुत अच्छा लगता है। अमेज़न है, फ्लिपकार्ट दोनों पे रेटिंग दी है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब तक हम जो है लगभग फ्रेंड्स आप यकीन नहीं करेंगे तो हम 1800 के आसपास बुक ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट अपनी कर चुके हैं। केवल ऑनलाइन गई है जो फ्रेंड्स, ऑनलाइन ही गई है अमेज़न और फ्लिपकार्ट से, अभी कंटिन्यू जाती रहती थी बट लॉकडाउन की वजह से वो बंद है। तो आपका प्यार और सपोर्ट जो पिता देते हैं तो मेरे लिए फ्रेंड्स वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और इसलिए मैं आपके लिए जो है निरंतर इस टाइप के कार्य करता रहता हूँ। ठीक है गाइस, तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक फ्रेंड्स आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और लॉकडाउन के जितने भी नियम हैं फ्रेंड्स उन सभी को जो है आप अपने पालन करें, और गवर्नमेंट की जो भी मतलब उनकी जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग चलें। ये जो वायरस फैल रहा है फ्रेंड्स, कोरोना वायरस, उसको रोकें, और रोकने का फ्रेंड्स जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा जो मतलब कि जो हमारा लॉकडाउन में घर रहने का जो एक डिसीजन है, हम घर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे बोलते हैं, आप घर पे ही रहें और अपने परिवार का अपना ध्यान रखें। आप सुरक्षित हैं तो पूरा देश सुरक्षित है। और सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे, तब तक फ्रेंड्स आप सब अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी करते रहें। आज क्लास नहीं होगी, ऑल राइट गाइस, सो बाय बाय।